Good evening students. Now in this video we are going to see about the acidity of alcohols. पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था एसिडिटी के बारे में, फिनॉल की और अल्कोहल्स के बारे में. उसमें हम लोग देखा था ब्रॉन्स्टेड एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया था आपको. अब वहाँ पे बताया गया था आपको प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में. अब यहाँ हम लोग देखेंगे उसका इफेक्ट और कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या रोल प्ले करता है आपको प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में. सो देखते हैं. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा. प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी ऑफ OH यानी कि अल्कोहल फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर इंक्रीज करेगा तो आपको माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है और एसिडिटी भी क्या होगा OH इंक्रीज कर जाता है. तो लिखा गया यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ता है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल डिक्रीज करेगा. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ेगा माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो प्लस फिर आपको एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स भी इंक्रीज करेगा. अब देखते हैं जैसे आर सी एच एच ओ एच सी ओ एच आर आर एच आर 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 ओ एच आर डैस आर डबल डैस आर ट्रिपल डैस अल्काइल ग्रुप यहाँ एक है तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट एक ही होगा प्लस आई इफेक्ट. यहाँ पर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से भी ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ऑक्सीजन पर यहाँ इंक्रीज कर देगा. यहाँ प्लस प्लस आई इफेक्ट है. यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर सबसे ज्यादा टर्शरी अल्कोहल पे हो जाएगा. ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है. इस कारण से फर्स्ट रूल को अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो यहाँ एक था, यहाँ दो था, यहाँ तीन था. प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज किया, यहाँ सिंगल अल्काइल ग्रुप के थोड़ा प्लस आई इफेक्ट था, यहाँ दो अल्काइल के कारण ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट था प्लस का, यहाँ पे तीन था तो सबसे ज्यादा था, मैक्सिमम था. एसिडिटी क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा. तो यानी कह सकते हैं हम 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री. आ गया समझ में? तो ये था एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स के बारे में, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स. अब देखते हैं हम लोग कि अल्कोहल्स आर वीकर. अच्छा एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट अगर जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए अगर इसी आर के जगह पे यहाँ पे सी एल जुड़ जाए, फ्लोरीन जुड़ जाए, एन टू जुड़ जाए, एनओ टू जुड़ जाए, बेंजीन रिंग जुड़ जाए तो एसिडिटी क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा. अब कहता है कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर मॉलिक्यूल. अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर मॉलिक्यूल. अल्कोहल्स आपको वीकर एसिड है देन वाटर मॉलिक्यूल्स. तो कभी सोचा है आपने अगर अल्कोहल है, वहां देखे हम लोग कि अल्कोहल एसिड है, बेस को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है,
अब यहाँ ये कह रहा है कि वाटर में और अल्कोहल में कंपेयर करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि वाटर आपको ज्यादा एसिडिक है देन अल्कोहल। ये कैसे हो सकता है देखते हैं। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर मॉलिक्यूल। देखिए अब क्या होगा, यहां पर अल्कोहल किस तरह काम करेगा, बेस के जैसे। अल्कोहल कैसे काम करेगा, बेस के तरीके से, प्लस HOH लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है आपके पास। अब देखिए यहां पे होगा क्या, अब इस माइनस के ऊपर यहां से ये H वाला प्रोटॉन डोनेट कर देगा और ये जा करके आपको ROH बना देगा और यहां से OH माइनस बन के बाहर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये यहां पर क्या था, बेस था, ये क्या था यहां पर एसिड की तरह काम कर रहा, तभी प्रोटॉन डोनेट किया जी। तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में। और ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल्स एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। इस लाइन से तो यही पता चला हमको कि अल्कोहल्स एक्ट्स एज ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड बेस। क्यों, अल्कोहल है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो बेस बन गया। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग प्रोडक्ट में कंजुगेट एसिड कहते हैं, जो लूज करता है उसको कंजुगेट बेस कहते हैं। तो अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। अल्कोहल वीक एसिड था तभी एच प्लस को यहां से एच को एक्सेप्ट किया। अगर स्ट्रांग होता तो ये एच एक्सेप्ट ना करके एच देता और यहां पर हाइड्रोनियम आयन बनता, हाइड्रोनियम आयन बनता, जैसे कि हम लोग CH3COOH के साथ में अगर H2O का रिएक्शन कराते हैं तो एसीटेट का आयन बनता है यहाँ पर माइनस और H3O+ बनता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये यहाँ पर वीक है, इसलिए ये H+ डोनेट करता है और वाटर मॉलिक्यूल H+ को एक्सेप्ट करता है तो ये बेस बन जाता है। लेकिन अल्कोहल के साथ में अल्कोहल एक बेस बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन डोनेट करता है H+ और यहाँ कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बना देता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर मॉलिक्यूल। फिर एक सेंटेंस आता है यहाँ पर एग्जाम में पूछेगा कि ब्रॉन्स्टेड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी अल्कोहल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। कैसे कह सकते हैं आप, तो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था ब्रॉन्स्टेड एसिड के बारे में इक्वेशन, कि वो खुद एक अल्कोहल एसिड की तरह काम कर रहा था, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन किया था। क्या था वो रिएक्शन, उसको लिख के बार देखते हैं, समझते हैं और फिर उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी अल्कोहल एक्ट एज अ लुइस सॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। तो हम लोग बात कर रहे थे एसिड के लिए, तो वहां रिएक्शन था हम लोग के पास में, कोई स्ट्रॉन्ग बेस का अगर रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर और अल्कोहल रिएक्शन करता है HOR, अगर लिखते हैं हम लोग तो ये H आपको डोनेट करता था इसके पास में और ये जा करके बनता था यहाँ पर BH और RO-। तो यहाँ कहते तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एसिड है और ये आपको बन गया कंजुगेट एसिड और ये बन गया कंजुगेट बेस। तो ये दोनों रिएक्शन हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों लिख देंगे और लास्ट में लिख सकते हैं कि अल्कोहल एक्ट्स एज एसिड्स एज वेल एज बेस, एसिड एक्ट एज अ एसिड्स एज वेल एज बेसिस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। आ गया समझ में, अल्कोहल एक्ट एज अ लुइस एसिड्स एज वेल एज अ बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स के बारे में देख लिया, अब देखेंगे हम लोग एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में देखते हैं क्या कहता है पर्टिकुलर वीडियो में। तो फिनॉल के बारे में एसिडिटी है, ज्यादा नहीं है, सेम वैसा ही टॉपिक आएगा लेकिन थोड़ा सा फैक्टर अलग हो जाता है, क्योंकि पहला तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है, बेंजीन रिंग जुड़ता है,
दूसरा कारण ये हो जाता है कि ये हा को रेजोनेंस हो करता है। तीसरा कारण ये हो जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण में एस कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट हो जाता है, इसमें फेनोक्साइड आयन बना लेता है ड्यू टू द डोनेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। उसके बारे में हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। एसिडिटी ऑफ फेनॉल्स, चलिए देखा जाए। एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेनोक्साइड आयन। एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेनोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन। जैसे इसका मतलब क्या हुआ है? देखते हैं, बेंजीन रिंग हुआ, ये ओ, ये एच हुआ। अगर इसको सॉल्यूशन मान रहा हूं, एच टू ओ के साथ में रिएक्शन करा देते हैं, माइनस आ जाएगा, प्लस एच थ्री प्लस बन जाएगा, इसको हम लोग फेनोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, अब ये फेनोक्साइड आयन जो होता है, साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल फेनोक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। देखते हैं, रेजोनेंस के कारण फेनोक्साइड आयन आपको स्टेबल हो जाता है, इस वजह से आपको एसिडिटी ऑफ फेनॉल आ जाता है। ठीक है, स्टेबल हो जाता है। अब वेरिएशन देखते हैं, अगर हम लोग वेरिएशन ऑफ एसिडिटी, अगर मान लो कोई बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट हो गया तो वेरिएशन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा है बेंजीन रिंग पे फिनॉल के साथ में, तो एसिडिटी क्या होगी तुम्हारी? इंक्रीज कर जाएगी। जैसे
सिंपल फेनॉल है तो उसकी एसिडिटी विड्रॉइंग ग्रुप के कंपैरिजन में सबसे कम होगा, तो इनका इसका सबसे कम होगा, बाकी सबका सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब बात आता है पारा नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और मेटा नाइट्रोफेनॉल में। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक आपको पारा नाइट्रोफेनॉल होता है, देन ऑर्थो एंड देन मेटा। इसका रीजन क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई पारा नाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलाटाइल, मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड मेटा नाइट्रोफेनॉल। ये एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चन, वाई पारा नाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलाटाइल देन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, आगे देखेंगे। फिर कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर जुड़ जाएगा तो आपको एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे कि अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं CH3, C2H5, C3H7 एटसेट्रा, डिक्रीजेस इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फेनॉल। यानी कि ये फेनॉल है और ये क्रिसोल है, अगर इस दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है तो ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों? इसमें प्लस आई इफेक्ट आ जा रहा है, ये रिलीजिंग ग्रुप देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा है, ये डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एसिडिटी इसका कम हो जाएगा, इसका एसिडिटी ज्यादा हो जाएगा। तो ये था वेरिएशन ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब इसमें बात आता है अगर कंपेयर करते हैं हम अल्कोहल और फिनॉल में तो दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। तो देखा गया था कि फिनॉल इज मोर एसिडिक, क्यों? क्योंकि उसमें फिनोक्साइड आयन बनता है और फिनोक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है, लेकिन अल्कोहल का जो अल्कोक्साइड आयन बनेगा वो स्टेबल नहीं होता, वो तुरंत रिएक्शन कर लेगा कहीं ना कहीं, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेता है उसको क्या कहते हैं फिर, बेस। इस वजह से फिनॉल आपको मोर एसिडिक हो जाता है। दूसरा कारण, बेंजीन आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हुआ माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है तो एसिडिटी भी बढ़ती है। तो कंपेयर करेंगे अगर अल्कोहल फेनॉल में तो फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस आज का क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे, आगे हम लोग कल से रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस था कुछ, स्टेरिफिकेशन है, राइमर टाइमर रिएक्शंस मिलेगा, कोलबेज रिएक्शन मिलेगा आगे हम लोग को, तो बहुत सारा रिएक्शंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मैं क्वेश्चन का बात कर रहा था कि स्टीम वोलाटाइल होता है या मोर वोलाटाइल होता है पारा नाइट्रोफेनॉल देन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ये देखते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलाटाइल, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलाटाइल देन पारा नाइट्रोफेनॉल, क्यों? तो देखते हैं हम लोग दोनों के बारे में, पहले तो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम लोग। ये मेरा ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल हो गया, अब
ये हो गया मेरा, याद है हम लोग पढ़े थे, जब पढ़ रहे थे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया था मैंने कि अल्कोहल्स इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, तो यहाँ पे वैसी का यूज करेंगे, इंटर एंड इंट्रा। इंटर मतलब हुआ दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा मतलब हुआ एक ही मॉलिक्यूल में। तो देखेंगे हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा है, एक ही मॉलिक्यूल है, उसी का हाइड्रोजन है, उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है, आपस में बॉन्ड बना ले रहा है, तो इसमें कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। इस केस में हमको इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं बन सकता है, इंटर मॉलिक्यूलर ही बनेगा जब भी बनेगा। इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। तो हो जाएगा आंसर आपका कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलाटाइल। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग चिलेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिलेशन। तो चिलेशन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड, ऐसा न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। और ये आपको पता है कि रिंग लाइक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन अ सिंपल चेन। सिंगल चेन से रिंग लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन सॉरी हाँ साइक्लोप्रोपेन और नॉर्मल प्रोपेन को कंपेयर करें तो साइक्लोप्रोपेन ज्यादा स्टेबल होता है देन सिंपल प्रोपेन। उसी तरीका से यहाँ पर एक रिंग लाइक फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, चिलेशन कहते हैं। इसमें वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। इस कारण से ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलाटाइल देन पारा नाइट्रो फेनॉल। इतना बना करके, ये स्ट्रक्चर बना करके नीचे लिख देंगे तो हमको 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2 में 2 मिल जाएगा, 3 मार्क्स का होगा तो 3 में 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन लिख देते हैं नीचे हम लोग, ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल इज मोर वोलाटाइल टाइल ड्यू टू चिलेशन। चिलेशन चिलेशन क्यों होता है, तो यहां लिख देंगे वीक इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। चिलेशन उसी हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से मेरा फॉर्मेशन होता है, वाइल पारा नाइट्रो फेनॉल, वाइल पारा नाइट्रो फेनॉल इज लेस वोलाटाइल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। आ गया समझ में, तो एग्जाम में अगर पूछेगा आपको तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, आंसर हो जाएगा मेरा। सो अब कल हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे आपको, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स, फिर फर्दर चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करेंगे, एक लास्ट ग्रुप बन जाएगा फिर मेरा ईथर, और उसके बाद चैप्टर एंड कर जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी डाउट है प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, डाउट पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए घर पर। जो भी डाउट है पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इट्स ऑलवेज रेडी आप लोग के लिए। थैंक यू।